हेलो स्टूडेंट्स हाय दिस इज करण सिंह फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी गांधीनगर वेलकम बैक टू द क्लास हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैट फर्स्ट चैप्टर अपना मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जिसमें हमने देखा था मैटर्स क्या होते हैं वी सॉ दैट व्हाट व्हाट आर मैटर्स बेसिकली ओके मैटर्स का डेफिनेशन देखा था फिर टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने उसके एक्टिविटीज देखे थे एग्जांपल्स देखे थे कि किस तरह से हम उसके एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं ओके okay, आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैटर स्टडी करेंगे ओके okay, आप आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे आप लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने डिस्कस कर लिए होंगे आज जो हम करने वाले हैं अब जो हम करने वाले हैं वो है बेसिकली वो टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली द टाइप्स ऑफ मैटर ओके सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मैटर ओके लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ मैटर तो टाइप ऑफ मैटर हम स्टार्ट करते हैं तो टाइप्स ऑफ मैटर में हमारे पास तीन तरह के मैटर हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके और प्लाज्मा भी होता है प्लाज्मा क्या होता है सेमी फ्लूड होता है लाइक आपका ब्लड ब्लड एक प्लाज्मा है ओके ब्लड 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 में प्लाज्मा है ओके okay? प्लाज्मा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है हम उसको बाद में स्टडी करेंगे बट इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके जो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी होती है बट मेजरली जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है दैट इज द डिफरेंस So, आपको क्या करना है डिफरेंस प्रिपेयर करना है यू टू प्रिपेयर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा करना है बट लेक्चर के बाद मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा तो चलिए हम अटेंड करते हैं हमारा लेक्चर ओके इन द स्टेट्स ऑफ मैटर सो स्टूडेंट्स अभी आप लोग जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी किया उसके रिगार्डिंग आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्योंकि मैं बार बार टेक्स्ट बुक अपने आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग जो देख रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक है ओके okay, मैं स्क्रीन को एकदम आपके साथ शेयर करके दिखा रहा हूँ तो आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है टेक्स्ट बुक क्यों टेक्स्ट बुक बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था आई टोल्ड यू ऑल दैट टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और टेक्स्ट बुक को समझना भी बहुत ज़रूरी है ओके okay, सो so हमने ऑलरेडी हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था मैं एक बार टेक्स्ट बुक से दिखा दूँ हमारे ये टॉपिक्स हो चुके हैं एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है ओके okay, मैटर किस तरह से मैटर मैटर किस तरह से बना है वॉट इज मैटर मैटर अप ऑफ ओके मैटर इज़ बेसिकली रिवाइज क्विक रिवाइज करते हैं ओके मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ओके दे आर पार्टिकल इन नेचर देन मैटर से कुछ और पार्टिकल हमने नेचर देखे थे तो उसमें से हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम ओके राइट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैन इसका एग्जाम्पल हमने ये भी देखा था कि जब हम यहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो नींबू पानी बनाने के बारे में दिया है टी हम मेल्ट हम पानी में मिलाते हैं तो वो एग्जाम्पल एक इन्होंने समझाया है ओके okay? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैन ये समझाया गया है ओके okay? देन हमने नेक्स्ट जो एक्टिविटी देखी थी नेक्स्ट ने, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी था पार्टिकल्स हाउ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल तो हमने देखा था दे आर माइन्यूट इन नेचर ओके फिर उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ये कैरेक्टरिस्टिक मेन ज्यादा दिए हैं एक स्पेस बिटवीन देम दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग ये वाला जो है ओके okay? सो so, ये हमारा जो है सेकेंड एंड थर्ड जो है हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ओके पार्टिकल्स ऑफ मैटर एटम है पास प्रॉपर्टी हम तीनों के एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ओके okay, सो so हमने इतना देख लिया ऑलरेडी आप लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे ओके क्वेश्चन सॉल्व करके वेरी गुड आपको इतना समझ में आया होगा आपने प्रेजेंटेशन देखा अब आगे हम आज देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे ओके इज स्टेट्स ऑफ मैटर वेन एवर यू आर मेकिंग द नोट ऑलवेज ऑन द टॉप राइट डाउन द टॉपिक ओके द आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर ओके सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर हैं जो बुक में गिवन है द सॉलिड स्टेट ओके क्लियर द सॉलिड स्टेट द लिक्विड स्टेट देन यू ऑल नो द नेक्स्ट वन विल बी द गैशियस स्टेट एंड एक और है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा जो आपका ब्लड फ्लूड है जिसे ब्लड में ब्लड को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं सो so, ब्लड को जो हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं क्यों क्योंकि प्लाज्मा मतलब क्या होता है सेमी फ्लूड वो कंप्लीट लिक्विड नहीं होता तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं तो प्लाज्मा भी एक स्टेट है तो तीन स्टेट कौन कौन से हुए हमारे पास हमारे पास तीन स्टेट हुए सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो आज के लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी वॉट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं ओके okay, सो so मैं आपको वो भी एक नोट्स के फॉर्म में समझाता हूँ ताकि आपका नोट्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और पॉइंट्स भी हो जाएंगे क्लियर इस तरह से हमको प्रिपेयर करना है आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये सॉलिड लिक्विड और गैस के अब ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ प्रेजेंटेशन की हेल्प से उनका पार्टिकल्स अरेंजमेंट दिख रहा है तो देखो सॉलिड में क्या दिखता है आपको यहाँ पे द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड उन चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है देखो प्रॉपर्टी और डिफरेंस दो चीज़ों को हमको दिमाग में लेके चलना है ओके देन हमारे पास क्या है लिक्विड स्टेट लिक्विड में देखो थोड़ा गैप है बीच में दिख रहा है ओके इसीलिए हम पानी में डाइवर इजीली डाइव कर पाता है या हम अपने हाथ मूव कर पाते हैं अब गैस में क्या है गैस में बहुत स्मूथली हम मूव कर पाते हैं क्यों देखो उसके बीच में क्या है बहुत ज़्यादा गैप है ओके इसीलिए कोई भी चीज़ की स्मेल बहुत जल्दी फैल जाती है क्यों क्योंकि स्मेल क्या है गैस में है एयर में है तो एयर क्या करेगा एयर के बीच में इतने गैप्स हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में ईजिली एकोमोडेट होकर मूव कर सकते हैं बट ये चीज़ें सॉलिड में पॉसिबल नहीं है ओके okay? सो so आज चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर हम uh, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ओके okay? सो so पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द प्रेजेंटेशन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल अगर किसी को अभी भी किसी भी तरह के टॉपिक में डेफिनेशन में प्रॉब्लम है ओके तो आप ये देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह मिल जाए ओके सो so, ये मैटर का मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपको ये मैं नोट्स एज ए पी भी भेजूंगा मैं सो डोंट वरी अबाउट इट ये मैंने आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपके लिए बनाया है सो so, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रौपर भी मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे ओके मैं आपको ये भेजने वाला हूँ तो आप इसको देखिएगा बट ये फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी देख लिया हमने ओके पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी टाइनिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिनुअस्ली मूविंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अर देन हमने कल ही एक्टिविटी देखी थी पोटेशियम पर मैग्नेट वाली मैंने फिर से पूरी लिख दी है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि, कि किस तरह से हम कहते हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन नेचर सो व्हाट यू विल बी डूइंग देन अगर ऐसा पूछे तो तो आप इस तरह से एक्टिविटी लिख सकते हैं कि या फिर आप लिख सकते हैं कि टेक ड्रॉप ऑफ इंक ओके एंड पुट इन अ बीकर ओके क्या करो एक बीकर लो एक बीकर के अंदर टेक अ बीकर एंड एड वन और टू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन साइड इट सो दैट वन और टू ड्रॉप्स ऑफ इंक विल टर्न अप द कम्प्लीट बीकर इंटू दैट कलर इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर दैट स्मॉल दैट दे कैन चेंज द कलर ऑफ कंप्लीट लिक्विड ओके क्लियर फिर उसके बाद हमने ये देखा था दे हैव स्पीस बिटवीन देम तो इसके एग्जाम्पल के लिए हमेशा शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन कर देना कि भैलेवर वी पुट शुगर इन वाटर यू सी दैट आफ्टर सम टाइम इट डिसपेयर्स तो कहाँ जाता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उनके अंदर वो भर जाता है ओके दैट वॉज दे हैव स्पेस बिटवीन देम ओके देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग तो देखो बहुत लोग सोचते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते बट सॉलिड के अंदर भी क्या होता है द पार्टिकल्स दे वाइब्रेट एट देयर ओन पोजिशन इन सॉलिड द पार्टिकल्स दे वाइबरेट एट देअर ओन पोजिशन ओके अब लिक्विड में थोड़ा गैप है लिक्विड में गैप है इसलिए फ्लो करते हैं गैस में ज़्यादा फ्लो करते हैं लिक्विड में भी फ्लो करते हैं ठीक है बट सब में मूव तो करते ही हैं ओके okay? ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर हमने देखा था नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैटर्स अराउंड अस इन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ओके ये थ्री स्टेट्स हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन तो सॉलिड के बारे में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप बेसिकली क्या करना है आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपको एक डिफरेंस uh, के फॉर्म में भी आप स्टडी कर सकते हैं ओके बट प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ लेते हैं और और भी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी तो मैं उनको बोलूंगा आप नोट कर लीजिएगा ओके okay? सो so, पहले प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं सॉलिड प्रॉपर्टी क्या होगी बड़ा सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉलीम यह होगा सॉलिड की फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होती है ओके फिक्स शेप एंड साइज क्लियर अंडरस्टूड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिम द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिम देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक मॉलिकल से दूसरे मॉलिकूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है मैक्ममम द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिम मूवमेंट क्या होता है बहुत कम दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल मतलब हम किसी को जब दबा सकते हैं तो कोई चीज़ जब दबता है तो उसको हम कंप्रेसिबल कहते हैं तो सॉलिड तो कंप्रेस आप टेबल को कंप्रेस करो तो कंप्रेस नहीं होता ना सो दे आर लीस्ट कंप्रेसबल हम हम किसी को ना नहीं लिखते हम क्या कहेंगे लीस्ट और ये आर निग्लेजिबल नेग्लेजिबल ही कंप्रेसबल मतलब उसको इग्नोर भी कर सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट डिफ्यूजन क्या होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था डिफ्यूजन द मूवमेंट डेफिनेशन द मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्ट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन क्लियर अंडरस्टूड तो ये डिफ्यूजन तो होगा ही नहीं क्यों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो डिफ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है क्लियर फिर से देखते हैं चलो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिम द मूमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिम दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ नोन एज डेंसिटी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट दैट इज़ नोन एज डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी को बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम दिस इज बेसिकली नोन एज डेंसिटी तो डेंसिटी का मतलब क्या है पर्टिकुलर एरिया में कितना मास है मतलब आप देख रहे हो कि इतने से एरिया में कितने सारे पार्टिकल्स हैं थोड़ा इसको हम कलर चेंज करते हैं ओके okay? राइट right? मैं इसका कलर चेंज करता हूँ सो लेट्स से आपने देखा कि इतने से एरिया में कितने सारे पार्टिकल्स है तो उसकी डेंसिटी है अब मान के चलो इतने ही एरिया में अगर गैस होता तो क्या होता उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं ये दूर दूर होते हैं राइट यही दूर दूर होता है चलो थोड़ा सा एक मैं अलग डायग्राम में दिखाता हूँ आपको अल अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ ठीक है सो so, सपोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले हम देखते हैं सॉलिड दिखाया लिक्विड देन गैस अगर तो सॉलिड बना रहा हूं मैं तो सॉलिड में इस तरह से अरेंजमेंट होगा कुछ मतलब इतने एरिया में देखो कितने आ गए सिक्स आ गए अब यही लिक्विड होगा तो क्या होगा ठीक है क्यों गैप है बीच में अब यही गैस होगा तो क्या हुआ उतने ही एरिया में देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं इस एरिया में क्या पार्टिकल्स थोड़े कम है और इसमें बहुत कम है तो एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है वो क्या डिसाइड करती है डेंसिटी ओके डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो इस पर इस वॉल्यूम में कितनी मास है उस पर डिपेंड करता है लाइक like, आप एक छोटे से एरिया में कितने जितने ज़्यादा आप होंगे उतने ज़्यादा उसकी क्या होती है वॉल्यूम तुमको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होंगे पास पास होंगे तो उसके डेंसिटी क्या होगी बहुत ज़्यादा डेंसिटी मतलब घना ओके okay? गैस में लिक्विड में क्या होगा दूर दूर होंगे तो कम घना होगा और गैस में तो सबसे कम क्यों ऑलरेडी पार्टिकल्स क्या होते हैं दूर ठीक है सो ये भी एक प्रॉपर्टी आपको ऐड करना है जिसको हम क्या कहते हैं डेंसिटी ओके ठीक है डेंसिटी okay? एक और चीज़ एक और चीज़ ठीक है मैंने इसमें आपको तीनों का बता दिया सॉलिड लिक्विड गैस तो अब क्या लिखोगे इन सॉलिड द डेंसिटी इज हाई फिर से समझो इन सॉलिड द डेंसिटी इज हाई इन लिक्विड द डेंसिटी इज लेस एंड द इन गैस द डेंसिटी इज लीस्ट ठीक है फिर से इन सॉलिड द डेंसिटी इज वेरी हाई इन लिक्विड द डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड एंड इन गैस द इट इज लीस्ट इस तरह से जब टेबल बनाओगे डिफरेंस का तो आप इस तरह से लिख सकते हो ओके आप जब देखो टेबल बनाते हो तो टेबल किस तरह से बनाना है अगर प्रॉपर्टी बोलते हैं तो इस तरह से लिखना है अगर टेबल बनाते हो तो क्या करना है आपको टेबल इस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ सो so, हमने टेबल बना दिया यहां पे आपको क्या लिखना है प्रॉपर्टी यहां पे लिखना है सॉलिड लिक्विड एंड गैस इस तरह से टेबल बनाना है प्रॉपर्टी में क्या लिखो यहां प्रॉपर्टी क्या है शेप शेप लिख लिख दो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. तो यहां पे क्या लिखोगे सिर्फ शॉर्ट में फिक्स शेप क्या लिखोगे यहां पे फिक्स शेप यहां पे क्या लिखोगे टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर यहां पे क्या लिखोगे नो फिक्स शेप ठीक है इतना ही डिफरेंस में ध्यान देना है ओके okay? क्लियर अंडरस्टूड देन क्या नेक्स्ट क्या लेंगे स्पेस नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं स्पेस प्रॉपर्टी कौन सी ली हमने स्पेस तो स्पेस क्या लिखेंगे लीस्ट स्पेस यहां पे यहां पे क्या लिखेंगे हैज स्पेस एंड यहां पे मैक्सिमम स्पेस इस तरह से आपको लिखना है देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसके नीचे क्या लिखेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नीचे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्या लिखेंगे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पे क्या लिखेंगे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है समझ आया फिर से यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है शॉर्ट फॉर्म में इतना सारा लिखेंगे तो डिफरेंस का टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा देन मूवमेंट के बारे में बात करो तो यहाँ पे क्या लिखोगे मूवमेंट प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे मूवमेंट यहाँ पे क्या लिखोगे दे वाइब्रेट एट देयर ओन पोजिशन लिक्विड में क्या लिखोगे दे फ्लो एंड गैस में क्या लिखोगे दे फ्लो ईजीली दे मूव रैंडमली गैस में क्या लिखोगे दे मूव रैंडमली देन कंप्रेसिबल नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखोगे कंप्रेसिबल तो सॉलिड में क्या लिखोगे पॉइंट सॉलिड में दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल लिक्विड में क्या लिखोगे दे आर कंप्रेसिबल एंड गैस में क्या लिखोगे दे आर हाईली कंप्रेसिबल प्लीज़ बेटा मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से टेबल के फॉर्म में बना लेना है ओके okay? क्लियर मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है लेकिन टेबल के फॉर्म मेरे को सबको सबके नोट्स में जब मैं नोट्स चेक करूँगा सबके नोट्स में ये टेबल का फॉर्मेट होना चाहिए ओके okay? जिस सीक्वेंस में बोला उसी सीक्वेंस में देन रेट ऑफ डिफ्यूजन तो सॉलिड में क्या लिखोगे प्रॉपर्टी में डिफ्यूजन सॉलिड में लिखोगे दे आर लीज डिफ्यूज दे शो लिस्ट डिफ्यूजन लिक्विड दे डिफ्यूज ओके एंड एंड गैस क्या लिखोगे दे शो हाई अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन क्लियर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी टोटल छह प्रॉपर्टी बता दी सातवीं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उसमें क्या लिखेंगे डेंसिटी तो सॉलिड की क्या लिखेंगे हाई डेंसिटी लिक्विड के क्या लिखेंगे लो डेंसिटी एंड गैस की क्या लिखेंगे लीज डेंसिटी क्लियर अंडरस्टूड तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लिखे हैं अंडरस्टूड तो ये आपको टेबल बना देना है और टेबल बना के आपको मुझे भेजना है ठीक है क्लियर तब हम इसके साथ साथ आते हैं दूसरे पार्टिकल्स को भी मैंने यहाँ समझा तो दिया है लेकिन देख लेते हैं चलो यहाँ पे लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैज़ फिक्स वॉल्यूम ओके लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर शेप बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कम है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स इंटरमीडिएट ओके या लेस लिख सकते हो ओके या मोर देन सॉलिड भी लिख सकते हो द वूमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट मतलब ये इंटरमीडिएट मैंने लिखा है मतलब इंटरमीडिएट का मतलब होता है नॉर्मल बट आप यहाँ पे कह सकते द मूव ओके द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड द मूव ईजिली द फ्लो दे आर लेस कम दे आर दे आर मोर यहाँ पर लिखा दे आर लेस कंप्रेसबल तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या दे आर कंप्रेसेबल यहाँ पे आप दे आर लेस कंप्रेसेबल क्या लिख दीजिए दे आर कंप्रेसेबल ओके देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड ओके मैं फिर से एक बार बताता हूँ आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप देव फिक्स दे डोंट हैव फिक्स शेप एंड साइज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे दे हैव स्पीस बिटवीन देम ओके द स्पेस बिटवीन और यह लिख सकते हो द स्पेस बिटवीन देम इज मोर देन सॉलिड देन नेक्स्ट में क्या लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन लेस देन सॉलिड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड दे फ्लो इजीली लिक्विड क्या करते हैं फ्लो करते हैं दे आर लेस कंप्रेसेबल ये नहीं लिखना है क्या लिखना है दे आर कंप्रेसेबल ओके दे आर कंप्रेसेबल ओके एंड यहाँ पे क्या लिखना है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड क्लियर अंडरस्टूड तो इस तरह से आपके लिक्विड की प्रॉपर्टीज हो गई पहले तीनों की प्रॉपर्टी लिखना है फिर डिफरेंस पे जाना है न प्रॉपर्टीज ऑफ गैस ओके प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या है गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम पहली बात तो ये पता ही है हमको कि दे डोंट हैव हैिक्स शेप वॉल्यूम देन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम बहुत होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इज मिनिमम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम और आप ये भी लिख सकते हैं दे मूव रैंडमली दे आर मोस्ट हाईली कंप्रेसिबल मोस्ट कंप्रेसिबल या हाईली कंप्रेसिबल द रेट ऑफ डिफिजन इज मोर देन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके और एक पॉवर पॉइंट दोनों में डेंसिटी वाला पॉइंट एड जरूर करना ओके द डेंसिटी इज लीस्ट इन गैस द डेंसिटी इज देअर देंसिटी इज लेस देन सॉलिड इन लिक्विड क्लियर सो ये आपको तीनों जो डिफरेंसेज हैं क्लियर हो गए होंगे अंडरस्टूड तो डिफरेंस क्लियर हो गए तो अब इसके बाद हम जाएंगे चेंज ऑफ स्टेट पे नेक्स्ट लेक्चर में बट आई होप आपको डिफरेंसेज क्लियर हो गए हों ओके okay, चलो तो इसके बाद ओके okay. सो so, आप लोगों ने देखा यहां पे जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको डिफरेंस आ, आ, लिखना है किस तरह से प्रॉपर्टीज थी सारे मैटर की ओके okay, और डिफरेंसेस को आप प्लीज उसी तरह से अरेंज कर दीजिएगा ओके okay? अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को समझते हुए उस पर इंटेक्स करते हैं तो फटाफट आप लोग अपने टेक्स्ट बुक निकालिए हम इंटेक्स करने के लिए तरफ जाते हैं ओके okay, सो so आप लोगों ने बुक आ, आपके पास बुक होगा लेट्स स्टार्ट द इंडेक्स ओके तो ये हमारा इंडेक्स है अब डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स आप आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियरली इंडेक्स दिख रहा होगा फिर भी आप टेक्स्ट बुक सब लोग खोल दीजिए पेज नंबर बता देता हूँ मैं पेज नंबर सिक्स है ओके okay? सो so, प्लीज ओपन बुक सो so, पहला इंडेक्स जो है हमारा द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस मास पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ओके तो यहाँ पे आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको गिवेन है उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी हनी वाटर चॉक कॉटन एंड आयरन इनको आपको अपने अपना दिमाग यूज करके करना है ठीक है एक्टिविटी है तो ये मैं आपको आप कर लोगे मुझे इतना यकीन है अब टेबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ओके इसमें डिफरेंस लिखना है तीनों स्टेट के बारे में तो ये जैसा मैंने आपको टेबल बनाने के लिए बोला तो टेबल बना दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ओके okay? और वो टेबल आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा बट ऐसे ही बनाना जैसा मैंने कहा कैसे बनाना है फिर से क्या प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड एंड गैस और जिस सीक्वेंस में मैंने प्रॉपर्टीज बताएं उस सीक्वेंस में लिखते जाना है ओके okay? ये सीक्वेंस में टेबल चाहिए मुझे सबके नोट्स में ना गिव रीजन गिव रीजन है ये डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फड़। फिर भी आप टेक्निकली अपने लैंग्वेज में प्रॉपरली अरेंज करके कर लिखना मैं एक डिस्कशन कर लेते हैं हम पहले अ गैस फिल्ड्स कंप्लीटली द वेसल इन्वर्ट इज कैप्ट इसका रीजन क्या है क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि हम जिस वेसल में गैस को रखते हैं उसको पूरा पूरा भर देता है इट फील्स इट कम्प्लीटली वॉट इज द रीज़न बिहाइंड इट ठीक है देखो बेटा मैं एक और चीज़ बता दूँ मैं कोर्स को भगाना नहीं चाहता आई डोंट वॉन्ट टू रन अप द कोर्स आपको लग रहा होगा स्कूल में टीचर्स कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है स्कूल में भले ही जो भी करें बट मुझे कोर्स को कंप्लीट करने से मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि आप तक हर एक टॉपिक बहुत क्लियरली जाए आपको वो डिफरेंस फील ना हो कि आप क्लास में नहीं हो ओके फाइन सो वो लेट्स अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच केप्ट इसका रीज़न क्या होगा वट विल बी द रीजन सो द रीज़न इज अगर किसी भी व्हीकल किसी भी वेसल में आप गैस जैसे एक वेसल है तो ये बोल रहा है कि किसी अगर आप गैस इसमें भरोगे तो फट से भर जाता है मतलब फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर एक बलून है बलून के अंदर मैं पानी भरूँ देखो बलून जल्दी नहीं फूलेगा बट उससे उससे भी कम अमाउंट का मैं हवा भर दूँ तो पट से फूल जाएगा उसका रीज़न क्या होता है उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपका बलून है लाइक like, बलून मैं ले लेता हूँ ये मेरा बलून है तो जब मैं से हवा भरूंगा तो एयर के पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे दूर तो एयर पार्टिकल्स दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दैट्स वाई दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली ओके बट लिक्विड होगा तो क्या करेगा सेटल लेयर बाय लेयर सेटल होता जाएगा तो जल्दी नहीं पूरा नहीं भरेगा और बट एयर होगा तो क्या करेगा हर कोने में भरेगा ओके देन बी अ गैस एक्जर्ट प्रजर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ करना सेम थिंग कि कोई भी गैस जो होती है वो वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करती है बलून वाला एग्जाम्पल बलून इसलिए फूलता है ठीक है क्योंकि वॉल पर क्यों द पार्टिकल्स ऑफ गैस दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर द पार्टिकल्स ऑफ गैस दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर अंडरस्टोड चलो बढ़िया ओके अः उडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड क्यों कहोगे उसको सॉलिड बिकॉज द उडन टेबल इज हैविंग अ फिक्स शेप साइज वॉल्यूम एंड इट इज नोन एज रिजट ओके एक और चीज आप जब डिफरेंस लिखोगे ना बेटा तो डिफरेंस में ये चीज जरूर लिखना पहला पॉइंट ही पहला पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे पहला पॉइंट यही लिखना ओके okay? क्या सॉलिड को हम क्या बोलते हैं रिजिड लिक्विड को क्या बोलते हैं फ्लूड और गैस को भी क्या बोलते हैं फ्लूड इनका नेचर है गैस भी फ्लो कर सकते हैं लिक्विड भी फ्लो कर सकता है एंड सॉलिड क्या होता है रिजिड होता है रिजिड मतलब हार्ड ओके देन वी कैन ईजीली मूव आर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट मतलब हम हाथ नॉर्मली एयर में घुमा सकते हैं बट वैसा ही हमको करने के लिए Uh, लकड़ी के हाथ थ्रू हम हाथ नहीं कर सकते बट उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए क्यों तो हम रीज़न क्या देंगे इन एयर द पार्टिकल्स ऑफ एयर दे हैव स्पेस बिटवीन देम ओके सो वी आर इजली एबल टू मूव आर हैंड थ्रू इट बट द इन सॉलिड पार्टिकल वॉट हैपन्स इन सॉलिड पार्टिकल और थ्रू टेबल वी व कराटे एक्सपर्ट बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर हैविंग वॉट ई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है ओके एंड स्पेस इज वेरी लेस दैट्स वाई टू मूव अ हैंड थ्रू अ वर्ड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट क्लियर आई होप यू अंडरस्टोड ओके लिक्विड जनरली हैव नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर आप सबने देखा होगा कि जो बर्फ होती है वो लो सॉलिड है फिर भी पानी के ऊपर तैरती है उसका रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ मान के चलो मैंने ये ग्लास आपने कभी देखा होगा अपना आइस क्यूब अपने अगर आप सब अपने ट्रे में बर्फ़ जमाई है तो तो हम जब बर्फ पानी जमाते हैं तो मान लो पानी इतना है बट जैसे ही जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो क्या करती है एक्सपैंड करती है बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा हमेशा कि आपका जो आइस क्यूब का जो ट्रे है उससे थोड़ी सी ऊपर आ जाती है बर्फ़ ओके या आप कभी बोतल में जमाएंगे तो पूरा ऊपर तक बोतल जाम हो जाता है तो क्या होगा जब सेम लिक्विड है अब देखिए क्या हो रहा है सेम लिक्विड जो है जब ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बढ़ जाता है वॉल्यूम क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो फ्लोट करेगा क्यों देखो कोई भी चीज़ डूबने के पीछे का एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूं अगर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड से क्या है लिक्विड और लिक्विड और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मैं कंपेयर करूँ अगर ओके okay? लिक्विड और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कंपेयर करता हूं मैं तो लिक्विड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आप लिक्विड क्या ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका फ्लोट करेगा ओके okay? डेंसिटी हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं ठीक है ओके okay? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा फ्लोट करेगा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा सिंक डूब जाता है तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी वो देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था मास अपॉन वॉल्यूम तो जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी कम देखो क्यों ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है इन्वर्सली जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा डेंसिटी क्या हो जाएगा कम तो क्या होता है आइस में आइस जब फ्रीज करता है तो क्या बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है कम तो लिक्विड से डेंसिटी कम हो गया तो वो क्या करेगा फ्लोट जैसे डेड सी आपने एग्जाम्पल सुना डेड सी में क्या है नमक बहुत ज़्यादा है तो उस समंदर में बोलते हैं कोई चीज़ डूबता ही नहीं है ओके क्यों बिकॉज नमक ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो गई है बहुत हाई तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसमें डालोगे अगर ह्यूमन बींग को भी डालोगे तो उसकी डेंसिटी जो होती है पानी से कमी होती है तो इसीलिए फ्लोट करता है क्लियर आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू सॉल्व द इंटेक्स क्लियर समझ में आया ओके फाइन चलिए नाउ इन द इंडेक्स आफ्टर सॉल्विंग द इंडेक्स ओके अभी हम लोगों ने इंडेक्स सॉल्व किया हम लोगों ने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में मैं पहले एक चीज बहुत क्लियर कर दू सबको स्टूडेंट्स आई डोंट वांट टू रन अप द सिलेबस मैं कोई भी मेरा टारगेट नहीं है कि मैं सिलेबस को बहुत ज्यादा भगाऊं या सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट करूं क्योंकि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम किस तरह से है वी आर नॉट स्टेट ओके okay, हमें एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे तो कोई भी कोई डाउट से मेजर है, क्लियर नहीं हो सकते इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं स्मॉल कंटेंट स्टडी देना चाहता हूं जिससे आपको हर चीजें क्लियर और डिटेल में हो ओके सो हम इस तरह से हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमें फास्ट नहीं जाना है स्कूल्स भले ही कितने भी स्पीड में सिलेबस कराए मेरा टारगेट है कि आपको जो मैं पढ़ाऊं आपको समझ आना चाहिए ओके okay? सो so आज हमने जो कंप्लीट किया वो क्या था हमारा टाइप्स ऑफ मैटर उनकी प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंसेस ओके okay? हमने आज स्टडी किया ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज कंप्लीट दिस मैस नोट सॉल्व द इंटेक्स क्वेश्चन और जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आगे का टॉपिक करेंगे जिसमें मैं आपको टेबल को किस तरह से टेबल को किस तरह से सॉल्व करके देखा जा सकता है कि एक प्रॉपर्टी दूसरी कैसे मैच करती example, एक example लेता हूं, करने से पहले. एक है हाँ, सॉलिड में होता हो है अगर नहीं होगा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हुई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं एक दूसरे के पीछे अगर कोई पूछे व्हाई इज देयर अड शेप ऑफ अ सॉलिड बिकॉज दे लेस गैप बिटवीन देम ओके सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टिल देन स्टे एट होम बी सेफ थैंक यू एंड हैव एन नाइस डे